दोस्तों, आज पृथ्वी कुछ इस हद तक हम मानवों से रूठी हुई है कि हमें वर्तमान की हालतों को देखते हुए एक नए घर की खोज अंतरिक्ष में करनी पड़ रही है। ऐसे में हमारे लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि हम सबसे पहले हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरे प्लैनेट को तलाशें, जहां जीवन के पनपने की कोई छोटी सी भी आस दिखे। ऐसे में साइंटिस्टों को हमेशा से ही लगता आ रहा है कि मंगल ही शायद वो प्लैनेट हो सकता है जहां इंसान अपना एक नया घर बनाकर एक नए जीवन को आरंभ कर सके। दोस्तों, इंसान आज इतना ज्यादा विकसित हो चुका है कि पृथ्वी भी इसे आज सह नहीं पा रही है। लेकिन दोस्तों, इस बार साइंटिस्टों ने कुछ बेहद ही खास करके दिखा दिया है। जिस ताकतों को हमने पिछले सदी में मानव जाति के नाश के लिए बनाया था, आज वो ही ताकत हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि लगभग 50 सालों के बाद फिर से अंतरिक्ष में परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट इंजन का परीक्षण होने वाला है। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब और अनोखी लग रही होगी, लेकिन दोस्तों ये बात सच है। वैसे परमाणु ऊर्जा से चलने वाले इस रॉकेट इंजन की खास बात ये होगी कि इसमें बैठकर इंसान सिर्फ 45 डेज के अंदर ही मंगल पर लैंड कर सकता है। आज जहां मंगल पर लैंड करने का समय कम से कम एक साल तक लग जाता है, वहां ये इंजन अच्छे तरीके से काम करके इंसानों को अंतरिक्ष में काफी आगे तक पहुंचा सकता है। शायद यही वजह है कि इतने सालों के बाद भी इसे फिर से एक बार एक्टिव कर दिया गया है। नासा के साथ कई निजी कंपनियां मिलकर इस रॉकेट को काफी तेजी से डेवलप करने के बारे में सोच रही है। कुछ सूत्रों के अनुसार ये रॉकेट साल 2027 तक पूरे तरीके से तैयार भी हो जाएगा। ऐसे में ये देखना बाकी है कि आखिर कब इसे इस्तेमाल करके मिशनों को अंजाम दिया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आज नासा जिस तकनीक के जरिए अपने उपकरणों को अंतरिक्ष में लॉन्च कर रहा है, असल में वो तकनीक काफी ज्यादा सरल और पुरानी है। इसके अलावा अभी रॉकेट लॉन्च करने की तकनीक सरल रासायनिक प्रक्षेपण के ऊपर आधारित है। इस तकनीक में एक ऑक्सीडाइजर अत्यंत ज्वलनशील रॉकेट ईंधन में आग लगाकर थ्रस्ट पैदा करवाता है और बाद में इसी थ्रस्ट के जरिए रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। यह तकनीक 100 सालों से ज्यादा पुरानी है। अगर हम भविष्य की ओर नजर दौड़ाते हैं, तब हमें दिखता है कि आने वाले समय में फॉसिल से बने ईंधन काफी महंगे होने वाले हैं और इन्हें इस्तेमाल करना काफी ज्यादा महंगा होने वाला है। इसीलिए मंगल से जुड़े मिशनों पर अगर हम परमाणु से चलने वाले रॉकेट इंजन को इस्तेमाल करते हैं, तो शायद हम काफी कम समय और लागत में मंगल के ऊपर पहुंच सकते हैं। साइंटिस्ट भी काफी समय से इसी तकनीक के ऊपर काम कर रही है और इसे और भी ज्यादा विकसित करने में लगे हुए हैं। अब कुछ लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर कैसे हम परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए अंतरिक्ष में रॉकेट इंजन को चला सकते हैं। दोस्तों, आप लोग ये जानते ही होंगे कि यहाँ पृथ्वी पर हम परमाणु ऊर्जा का काफी समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और इसी तकनीक को हम रॉकेट इंजन में भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले इंजन में परमाणु रिएक्टर लगा होता है, जहां पर हम कुछ खास रेडियो एक्टिव पदार्थों के परमाणु को तोड़कर परमाणु ऊर्जा बनाएंगे। साइंस की भाषा में कहे तो किसी भी परमाणु के विखंडन की प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। साइंटिस्टों के अनुसार परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट इंजन पारंपरिक रॉकेट इंजन की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा काबिल होंगे। इससे अंतरिक्ष में होने वाले मिशन आसानी से पूरे तो होंगे ही, साथ ही साथ हमें काफी कम खर्च में अंतरिक्ष की भी सैर करवाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार आज मंगल पर लैंड करने की औसतन अवधि 7 महीने की होती है, लेकिन परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट इंजन के जरिए हम मंगल पर 1.5 महीने के अंदर ही पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तब अंतरिक्ष विज्ञान में एक नई क्रांति आएगी, जहाँ पर इंसान बिना किसी देरी के अलग अलग प्लैनेट तक पहुंचने के बारे में सोचेगा। परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट इंजन के बारे में जानने के लिए नासा ने सन 1959 से ही काम शुरू कर दिया था। उस समय मंगल जैसा मिशन तो नहीं थे, लेकिन हाँ, न्यूक्लियर इंजन फॉर रॉकेट व्हीकल एप्लीकेशन यानी कि नेरवा जैसा मिशन जरूर थे। दोस्तों, आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि नेरवा मिशन के चलते नासा ने एक सॉलिड कोर वाला न्यूक्लियर रिएक्टर बना भी लिया था। कुछ साइंटिस्टों के अनुसार इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग भी पृथ्वी पर हो चुकी थी, लेकिन इस तकनीक का इस्तेमाल उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरह नासा इसे इस्तेमाल करना चाहता था, क्योंकि उस समय अपोलो सीरीज के मिशन के खत्म होने के बाद नासा के पास इतने फंड्स नहीं थे कि वो इसे जारी रख सके। लेकिन अभी का दौर देखिए, ये दौर है नए नए तकनीक और बदलावों का। हम आखिर कब तक पुरानी तकनीक के ऊपर काम करते रहेंगे? परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट इंजन रासायनिक ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट इंजन की तुलना में काफी तेज और परफेक्ट होते हैं। अंतरिक्ष में इनका इंजन काफी जल्दी स्टार्ट होकर बहुत ही लंबे समय तक चलता है। परमाणु रिएक्टर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन यानी कि NEP,
ये रिएक्टर जिसके अंदर बिजली पैदा होकर ज़ेनन क्रिप्टन जैसे नोबल गैसेस के परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर एक आयन बीम का रूप दिया जाता है। ये आयन बीम बाद में रॉकेट इंजन को थ्रस्ट प्रदान करता है। दूसरा न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्सन यानी कि NTP रिएक्टर जो कि नासा को काफी अट्रैक्ट कर रहा है। इस रिएक्टर में आमतौर पर हाइड्रोजन और अमोनिया जैसे गैसों को न्यूक्लियर प्रक्रिया के जरिए गर्म करके पहले फैलाया जाता है, बाद में एक बेहद ही बारीकी छेद के जरिए गैस को छोड़कर थ्रस्ट बनाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।